सुनने वाले नहीं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को 2.7 जो बढ़ा रहा हूँ, और पता है आपको ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 80% चांसेस हैं या 85% कि जो सेकंड चैप्टर है उसमें से सवाल 2.7 में से आता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में सवाल मुख्तलिफ किस्म के हैं, मतलब तकरीबन जो 5 किस्म के जो वो मुख्तलिफ जो वो सवाल हैं। इसमें टोटल मेरे ख्याल में 13 सवाल है या 12 सवाल है, ठीक है, और वो 5 किस्म के हैं। इसी वजह से जब वो इस एक्सरसाइज को समझाने में थोड़ा सा जब वो या बच्चों को करने में थोड़ा सा मसला होता है, जिसकी वजह से पहले जो मैंने नहीं समझाई थी, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो 5 किस्म के सवाल हैं उनमें से भी ज़्यादा ज़्यादा सवाल जो मैं समझा दूँ। पहले 4 सवाल एक तरह के हैं, फिर उसके बाद 5वां और 6ठा सवाल, फिर उसके बाद 7वां 8वां और 9वां सवाल एक तरह के हैं, फिर 10वां और 11वां है, फिर 12वां और 13वां। यानी इस तरह 5 किस्म के सवाल हैं। मैंने पहला जो सवाल आपको जो पहले 4 है उसमें से 2 सवाल कराए थे, ठीक है, फिर उसके बाद 5वां सवाल कराया, आज आपको 7वां 8वां 9वां इनमें से जो सवाल करा रहा हूँ। ये तीनों सवाल एक ही टाइप के हैं, ये बाकी सवालों के नस्बत थोड़ा सा जो वो आसान है, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो वो तरीकाकार है, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट कर लेते हैं हम दोनों मसावातों में जो अददी सर हैं उनको पहले बराबर कर लेते हैं। एक अददी सर को बराबर करके हम उसको जो वो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल उसकी कीमत आ जाएगी, और वही पुट करके हम पहले वेरिएबल की भी कीमत मालूम करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों में y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और फिर अगर हम माइनस करेंगे तो y y से कट जाएगा, x की कीमत आ जाएगी। मैं क्या करता हूं, दस दो बाय और 58 ये मसलात अंदर। अब हम पहली मसलात और दूसरी मसलात इन दोनों को क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। एक और तीन को 10x की 2 जमा 2y की 2 58 और x की 2 जमा 2y की 2 बराबर है 22। सब्ट्रैक्ट करते हुए दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 9x की 2 बराबर है 36, x की 2 बराबर है 36/9, x बराबर है 4। हमने क्या मालूम करना है, x मालूम करना है, इधर भी जजर ले लेंगे और इधर भी जजर लेंगे, x बराबर है जमा माइनस 2, ठीक हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने किसी एक मसावात में x की कीमत दर्ज करनी है और y की कीमत मालूम कर लेनी है। मैं पहली मसावात में दर्ज करता हूँ, टू स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, ये